कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। तो आज है दोस्तों 2 नवंबर एंड आज शाओमी ने रिलीज कर दी है अपनी एक नई सीरीज। तो क्या है इस नई सीरीज में, क्या क्या चीजें हमें मिली हैं इस नई सीरीज में, तो ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MI हेल्पर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शाओमी ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है अपना स्टेबल रोम। तो क्या क्या है इस स्टेबल रोम में और क्या क्या नए फीचर ऐड हुए हैं इस स्टेबल रोम में, तो ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, Xiaomi ने यहाँ पे बहुत सारे फीचर ऐड करे हैं इसमें। तो ये जो फीचर है लगभग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और कंपनियों तो देती ही नहीं है, तो Xiaomi ने यहाँ पे अपने MIUI 9 में दिए हैं ये फीचर। तो ये फीचर के लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। तो इसी और हमें शेड्यूल भी मिला है कि ये स्टेबल रोम कब तक आएंगे किन किन फ़ोनों में, तो आपको शेड्यूल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट बैच के जो हैं वो बस 2 डिवाइस दिए हैं फर्स्ट बैच में, जिनको टुमोरो ऑनवर्ड अपडेट मिल जाएगा। तो कौन कौन से हैं वो 2 डिवाइस? रेडमी नोट 4, Miui 2। तो बस यही 2 डिवाइस हैं। एंड सेकेंड बैच की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड बैच में आपको मिड नवंबर मतलब नवंबर के बीच में अपडेट मिलेगा। तो इनमें कौन कौन से डिवाइस आते हैं? Miui 2, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi 4X, Mi 5, Mi Max। तो ये डिवाइस मिलेगा। और थर्ड बैच जो है जो दिसंबर की कभी भी मिल सकता है, दिसंबर अर्ली ऑफ दिसंबर। तो उसमें सारे फ़ोन है लाइक Mi 4, Mi 4A, Redmi 3S, Redmi Plus, Redmi 2S। तो ये सारे डिवाइस हैं, तो इनको दिसंबर में मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये शेड्यूल, ये मेरे को आपको कमेंट में बता देना। तो बस दोस्तों, यही थे कुछ अपडेट्स जो आपको बताने थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।